कुछ किस्से कहानियां सबक दे जाते हैं, तो वहीं कुछ किस्से कहानियां चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग दिल्ली से आ रहा है, एक ऐसे नन्हे से बालक का जिसे क्या पता था कि ब्रह्मांड को चलाने वाला आज उसके साथ कैसी कैसी अटकेलियां कर रहा है। आज का ये सत्य प्रसंग केशव का है, जिसके माता पिता ने उसको पूरी घटना के दौरान केशु बुलाने के लिए कहा है। तो कहानी है केशु की, एक बहुत ही नटखट 4 साल के बच्चे की। अब आप कहेंगे ये 4 साल का बच्चा था, इसको कैसे क्या चीजें पता थी, कैसे पता। कभी कभार विश्वास कर लेने से, विश्वास मात्र कर लेने से अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो मुझे लगता है इससे सस्ता उपाय खुश रहने का और कोई नहीं। ये कहानी जिसने भेजी है वो उसकी बड़ी बहन है, जो आज करीबन आपके 17-18 साल की हो गई होगी। और केवल माँ बाप से सुनी हुई ये कहानी उस लड़की की थी, तो माँ बाप से कन्फर्म करने के बाद ही पता चला कि कहानी पूरी सच है। तो फिर शुरू करते हैं आज की सत्य घटना दिल्ली से केशु की। केशु एक ऐसा नटखट बालक था जिसे रोज एक नया दोस्त, एक नया खिलौना चाहिए होता था। आज वो कोई खिलौना लेता तो कल वो खिलौना को देखता तक नहीं, पहले ही खिलौने को उठाकर पटक के देखता, शायद कितना टफेस्ट टेस्ट कर रहा था। मजाक कर रही हूँ, बच्चों को आदत होती है ना ऐसे चीजों को पटक देने की, खिलौनों को पटक देने की, क्योंकि अब किसको पटकेगा, माँ बाप को तो पटक नहीं सकता, छोटा है, तो खिलौनों पे ही कह लीजिए एक तरह से अपने सारे ग्रशेस या फिर कोशिश करता है चीज़ों को अपने अटेंशन कैच करने की, फैमिली की और जो कुछ भी है। तो ऐसा ही बच्चा था, माँ बाप बड़े परेशान, पापा ऑफिस में जाते, माँ टीचर थी, बहन 10 साल की थी मात्र, लेकिन भाई को बहुत समझाती, पूरा परिवार ही बच्चे को समझाता कि ये रोज़ रोज़ खिलौने हम नहीं ला सकते, बट केशु मानने को तैयार नहीं, कहता रोज ही नया खिलौना चाहिए। अब फैमिली मेंबर ना भी ला के देते तो ये घर बड़ी जॉइंट फैमिली की थी जिसमें दादी भी थी, चाचा चाची भी थे, लेकिन केशु किसी की ना सुने, ठीक है। और घर जो था वो बिल्कुल कह लीजिए मेन मार्केट में ही था, जहाँ पे 3 सीढ़ियाँ थी घर की, उतर कर रोड क्रॉस कर वो सामने एक खिलौने की दुकान होती थी वहाँ तक भी पहुँच जाता। सीढ़ियाँ उतरनी कोई मुश्किल तो थी नहीं 4 साल के बच्चे के लिए, और सब जानते ही थे आसपास, तो किसी का आंचल पकड़ कर, कभी किसी का हाथ पकड़ कर चला जाता। अब दुकान से कोई ना कोई खिलौना उठा कर अपना ले आता, कोई घर बहुत दूर था नहीं, लोग जानते ही थे कि कितने शरीफ लोग हैं, अगर हम बताएंगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा, कहाँ जा रहा है बस फिर। लेकिन अब केशु के माँ बाप बड़े परेशान थे, रोज रोज के ये ड्रामे हो गए हैं, माना घर में कोई कमी नहीं है मगर इतने भी अमीर नहीं है बेटा कि तेरे लिए रोज ही खिलौना ला के दे दो, कब तक चलेगा ये सब, बहुत समझाते केशु को। केशु के समझ में कुछ ना आता। अब माँ बाप थे बहुत परेशान, सबके सब कृष्ण भक्त, कन्हैया से गुहार लगाई, कब, जन्मदिन के कुछ ही दिन पहले कि हे कन्हैया, अब ये हमारा बालक 5 साल का होने जा रहा है, इस बालक को कुछ सन्मति दो, ये नहीं कहते कि इसको सबसे समझदार बालक बना दो, मगर इसे आम बालक की तरह तो रखो, इसकी अटकेलियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब माँ बाप ने खिलौना देने से बिल्कुल मना कर दिया, कह दीजिए डांट दी, हिदायत दे दी कि केशु आज के बाद तुम्हें एक भी खिलौना नहीं मिलेगा। केशु नटखट सा बालक, क्या बात को समझे, ठीक है नहीं मिलेगा तो उसने घर के आम मर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों को ही खिलौना बना दिया, उसको क्या करना है, उसने कभी पापा का फोन पानी में डाल देना, कभी टीवी के रिमोट को कहीं छुपा देना, कभी एसी के रिमोट को ला कर कहीं डाल देना, या फिर बहन के ही बुक्स नोटबुक्स को लेकर खराब करने लगना। अब वो एक उड़दंगी बालक कृष्ण का रूप था, ऐसा पूरा परिवार कहता था, जाने दो ना नन्ना बालक है, लेकिन कैसे जाने दें और कब तक जाने दें, बस यही समझ नहीं आ रहा था। जन्मदिन था केशु का, तो अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया हुआ था, रिश्तेदार आ रहे थे, और मैं हर बार कहती हूँ कि एक बार वृंदावन से जो जुड़ गया, फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में रह ले, जो कृष्ण से प्रेम है वो कम नहीं होता। वैसे ही उनकी एक ताई जी थी जो वृंदावन से आ रही थी केशु के जन्मदिन पर, वो 2 दिन पहले आ गई। अब कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति उनके मंदिर में रहा करती थी, मंदिर में भगवान के पास अरदास लगाने फिर पहुंचे माँ बाप, तो देखा कि एक मूर्ति रखी हुई है, एक और बहुत ही प्यारी सी थी, तो बहुत ही मनमोहक,
लेकिन दो मूर्ति एक साथ रखते नहीं करके तो उनके केशु के पिताजी ने पूछा, ये किसने रखी है मूर्ति? तो ताई ने कहा, मैंने रखी है, मैं लेके आई हूँ। कहते, ताई जी आपको तो पता है हमारे पास एक मूर्ति ऑलरेडी है। कहते, हाँ हाँ पता है, लेकिन ये ना खिलौना या फिर गिफ्ट तोहफा लाना था ना इसके जन्मदिन पर, अब वहां से कृष्ण की नगरी से कृष्ण से अच्छा गिफ्ट में क्या ही लाती, ये ले आई। अब कहते, लेकिन आपको तो पता है ना ताई जी, ये किस तरह से खिलौनों को पटकता है, ये क्या ही इस मूर्ति को रखेगा, एक दिन में खंडित कर देगा और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे कान्हा की मूर्ति खंडित हो गई अपनी किसी परिवार वाले के द्वारा, जिसे ना डांटा जा सकता फिर ना मारा जा सकता, क्योंकि ये तो बालक है, उड़दंगी बालक। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब इसके कमरे में रख देना, मैं तो लेके आई और कहाँ रखूं, हो गई तो मंदिर में रख दी, गिफ्ट देना है था बच्चे को उपहार। तो परिवार वाले ने कहा, चलो ठीक है ठीक है। अब केशु को बुलाया गया, केशु को बताया गया कि केशु ये आपके लिए ना ताई जी गिफ्ट लेके आई है। केशु हूँ हाँ करता हुआ गिफ्ट उसने अपने हाथ पे ले लिया। परिवार वाले जानते थे कि ये गिफ्ट कुछ ही घंटे का मेहमान है, इसके बाद तो ये खंडित मूर्ति बन जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। केशु पहले की जैसी परिस्थिति में अब था नहीं। केशु उसे अंदर लेके गया और रख दिया और उससे बातें करने लगा। परिवार वालों ने पूछा तो उन्हें भी इन्वॉल्व कर लिया, दादी से पूछने लगा, दादी ये इन्होंने क्या पकड़ा है, बांसुरी है, ये इन्होंने क्या सिर पे पहना है, मोर पंखी है, मुझे भी यहाँ पे ये सितारा लगा दो, मुझे भी दिला दो। अब जो बारीकियां कभी किसी ने नोटिस नहीं की, अब केशु नोटिस कर रहा था और कोई उसके पकड़ में नहीं आया तो अपनी दादी को लेके बैठा था। दादी भी कृष्ण भक्त थी, बहुत प्रसन्न थी कि अब ये बालक कम से कम कुछ नहीं तो सवाल कर रहा है, कोई बात नहीं इसके जवाब दे दूंगी मैं। परिवार वाले भी देखकर बहुत हैरान नहीं थे, बट सही चल रहा था। केशु का जन्मदिन आया, सभी बच्चे आए, आसपास के बच्चे आए। परिवार वाले जानते थे कि ये कितना उड़ंगी है, उसने सबसे ही पहले पूछा, गिफ्ट लाए, गिफ्ट लाए मेरा। परिवार वालों का बड़ा लाडला था, परिवार में बता रखा था मुझे क्या क्या चाहिए, सबने वो ही गिफ्ट दिए जो केशु चाहता था। आस पड़ोसी भी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आए। अब कह लीजिए पूरा घर गिफ्ट से भर गया था, वो कमरे में दीवार नहीं दिख रही थी, इतने गिफ्ट थे। बड़ा सम्मेलन था, आयोजन था, फ्रेंड्स आए थे, कुछ केशु के फ्रेंड, कुछ उसकी बहन के फ्रेंड, कुछ ऑफिस के कलीग और कुछ टीचर्स, तो कह लीजिए अच्छा खासा, कुछ रिलेटिव्स भी थे, अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ था। अब केशु ने कहा, हटाओ हटाओ ये सब हटाओ, यहाँ पे मैं इसको रखूंगा, अपने कान्हा को रखूंगा। तो उन्होंने भाई हटा दिया, कृष्ण की मूर्ति रखी गई और कहा, आप जानते हैं पप्पा ये ना मेरे साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बेटा खेलते हैं, ये पता है लुक्की छुपी खेलते हैं, अच्छा अच्छा खेलते हैं और बोलते भी हैं, अच्छा अच्छा बोलते भी हैं। तो सब हाँ 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 करने लगे, हामी भरने लगे बच्चे का मन रखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था अब आगे क्या होने वाला है, शायद आपको भी नहीं। तो अगर यहां तक की कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक पे दबा दीजिए बटन, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि मेरे कान्हा से कोई और भी जुड़ा है इस संसार में, जो इतना व्यस्त होने के बाद भी अभी तक रुका है उसकी लीलाएं सुनने के लिए। आगे उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा चलो अब हम सोते हैं। तो ठीक है कान्हा भी सोएंगे, कान्हा सोओगे? हाँ चलो 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 सोते हैं। सो गए। कुछ ही दिन बाद घर के पास में एक समारोह था, उनकी एक मददगार थी सीमा, वो आ जाया करती थी और बच्चे को ना देख लिया करती थी। अब कुछ मदद उसकी भी वो लोग समय से कर ही दिया करते थे, तो वो हिचकिचाती नहीं थी या फिर नाक नुकुर नहीं करती थी, आ जाती थी जब बुलाते थे। अब पूरा परिवार जा रहा था, बट पूरे परिवार के बड़ों ने डिसाइड किया था कि हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही उड़दंगी, उसमें ये केशु तो सबसे महान, तो आज कोई बच्चा हमारे साथ नहीं जाएगा, हम जाएंगे, गर्मी बहुत है जल्दी आएंगे। तो ऐसा डिसाइड किया गया। केशु के साथ एक दो दिन पहले कुछ ऐसा बीता जिसकी वजह से किचन के फ्रिज पे ताला लगा दिया गया था। फ्रिज पे ताला कुछ यूं लगा क्योंकि केशु को कुछ दिन पहले दादी ने बहुत डांटा। जब दादी डांट ही रही थी उसी बीच उसकी माँ केशु की वहां आ गई स्कूल से और कहा, माँ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, देखो ना इस केशु को देखो, क्या करता है ये लड़का। तो माँ तो जानती थी कि उनका बालक कैसा है। बैग अंदर रख के आई तो देखा एक बहुत बड़ा पतीला जिसमें उन्होंने मक्खन भर के रखा था। अब परिवार बड़ा था, दूध अच्छी क्वांटिटी में आता था, ज्यादा मक्खन बनना लाजमी है, बना था।
लेकिन यहां पर बात यह हो रही थी कि मक्खन पूरा खा लिया गया था, करीबन 2-3 किलो मक्खन इस लड़की ने अकेले खा लिया। तो वो कह रहा, नहीं नहीं मैंने नहीं खाया, थोड़ा सा खाया मैंने, बाकी तो कृष्ण ने खाया, कान्हा ने खाया। कौन कान्हा? इसने खाया, इसने खाया। हाँ बोल ना, तूने खाया? नहीं बोला। तो माँ बड़ी हैरान, माँ ने पिताजी को कॉल किया और कहा कि देखिए आज आपके बेटे ने 2-3 किलो मक्खन खा लिया है, आपसे रिक्वेस्ट है किसी डॉक्टर से पूछिए ना आसपास अगर कुछ नॉलेज वह है कोई तो, कि कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, इतना मक्खन इस बालक ने खा लिया कैसे? अरे खा लिया है, अब कैसे क्या बताऊं, पता नहीं पतीला खाली है। और माँ डांट रही थी तो मैंने देखा और पूछा तो ये सब पता चला। चिंता मत करो, ये क्या कह रहा है? तो उन्होंने कहा, कह रहा है कि कृष्ण ने खा लिया, कान्हा ने खा लिया, खा लिया होगा। और मुस्कुराने लगे। मैंने कहा तुम तो हंस रहे हो, अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, कौन कृष्ण, किसने खा लिया? कहते अली ये मेरे फ्रेंड ने खा लिया। लो जी दोस्त ने खा लिया। कहते हाँ उन्हीं ने खाया होगा। पिता को अधिक विश्वास था, मुस्कुराहट थी चेहरे पर इस नटखट अटखेलियां की। वो दिन ऐसे ही बीत गया, चिंता में कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो बहुत खुश था और यही कह रहा था कि मैंने नहीं खाया। पिताजी भी पूरे तरह से संतोष थे कि कुछ नहीं होगा। फिर भी डॉक्टर से इस्तेहा कर ली थी और दवाइयां लिखवा ली थी, अगर कुछ होता है तो ले आएंगे करके, लेकिन भगवान की कृपा, कृष्ण की लीला, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन समारोह में जाना था, सब गए थे, मगर डिसाइड किया था कि अभी से मक्खन खाने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए ताला लगाया था फ्रिज में। अब सभी बच्चों के लिए सीमा दीदी ने वो बनाया जो उनकी पसंद का होता है, चाउमीन बनाई, फ्राइड राइस बनाए, फ्रेंच फ्राइज बनाई और साथ में बनाया मोमोज। लेकिन अब केशु को कुछ भी नहीं खाना इसमें से। क्यों भाई क्यों नहीं खाना, मुझे तो आप माखन मिश्री दो। माखन मिश्री? माखन तो बेटा ताला लगा है तुम्हारे फ्रिज में, तुम कांडी इतने बड़े बड़े करते हो, लेकिन मिश्री है, दे दूं? हाँ दे दो मिश्री दे दो, माखन वो ले आएगा। अच्छा ले आएगा। मिश्री दे दी और वो अपने कमरे में चला गया। सीमा जी भी देखकर हैरान कि सब बच्चे तो बाहर टीवी के आगे बैठ के चटपट खा रहे हैं और ये अंदर क्या कर रहा है। जब देखा तो अंदर वो किसी से बात कर रहा था, झांक के देख रही थी क्योंकि कमरा बंद था। कोशिश करी चीजें पहचानने की तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, सामने से हूं हूं आवाज तो आ रही है लेकिन किसकी है कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंततः उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो कुछ परछाई सी दिखी। उन्होंने तुरंत जाके दरवाजा खोला तो पूछा, केशु किससे बात कर रहे थे? भगवान से बात कर रहा था, कान्हा से, पाम दादी ने बताया कि ये भगवान है। अच्छा अच्छा आज क्या? हाँ भगवान से बात कर रहा था, कृष्ण कान्हा से। अच्छा और ये तुमसे बात कर रहे थे? हाँ ये बात कर रहे थे। बातों बातों में उसने नोटिस किया कि इसके हाथ में मक्खन लगा है। उन्होंने कहाँ से आया मक्खन, तुमने फ्रिज खोला? नहीं मैंने कहा था ना मेरा मित्र ले आएगा, मेरा दोस्त ले आएगा। अच्छा तुम्हारा दोस्त मक्खन ले आया? हाँ कहाँ से आया तुम्हारा दोस्त, खिड़की से कि दरवाजे से? पता नहीं। अच्छा जाकर फ्रिज में देखा तो फ्रिज पे तो ताला लगा है। खोलने की कोशिश की, हैंडल ऐसा था कि हाथ पे आ जाए, भैया पूरी कोशिश अब की नहीं। ये मान लिया कि ताला तो लगा है फ्रिज पे, मक्खन वहां से निकला नहीं है, मक्खन इसके हाथ में है, ये सोचकर उसके पसीने छूटने लगे। तभी परिवार वाले सारे आने लगे, कहते कहते बहुत गर्मी थी यार, इतनी देर फंक्शन में अटेंड करना, ये वो। उन्होंने कहा क्या हुआ सीमा जी, आप इतनी घबराई भी क्यों है? उन्होंने कहा कि आपके बालक ने माखन खा लिया है। ये सुनकर केशव की अम्मी जोर से चिल्लाई, लेकिन इसे माखन दिया क्यों आपने? उन्होंने कहा मैंने कब कहा कि मैंने दिया, मैंने नहीं दिया, आपके फ्रिज पे तो ताला लगा है ना। कहा फ्रिज पे तो ताला लगा है, तो फिर पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि इसे कान्हा ने, कृष्ण ने माखन दिया इसके दोस्त ने। ये सुनकर आज सब हक्के बक्के थे। उसके पिताजी ने उसे डांट कर प्यार से, माँ ने डांट कर प्यार से, सब ने पूछा, लेकिन वो एक ही बात कहता रहा, कान्हा मेरा दोस्त है, रोज आता है, मुझे खाना खिलाता है, मक्खन खिलाता है, हम मजे करते हैं, दोस्त है मेरा। और उनके पिता ने कहा तुमने नोटिस किया इसने आज के बाद कोई खिलौना भी नहीं मांगा उस दिन के बाद, कुछ तो लीला है। और सब मान गए। अब उन्होंने बोला बाहर बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो लोग, कुछ लोग हंसेंगे और कुछ लोग पता नहीं आशीर्वाद लेने आ जाएंगे, फालतू के ड्रामे होंगे जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं, रहने दो। लेकिन कहते हैं ना जो चीज नहीं बाहर बतानी वो पहले हो जाती है, सबको पता लग गया। अब कान्हा को, कृष्ण को धीरे धीरे केशव ने देखना बंद कर दिया। वो जब भी बाहर जाता लोग उससे राधे राधे बोलते और वो मुस्कुरा कर राधे राधे बोलता।
धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगे और वो आम बालकों की तरह थोड़ा उड़दंगी कम हो गया, चीजों की डिमांड कम करनी शुरू कर दी और जिद बिल्कुल नहीं करता था। परिवार में इस तरह के बदलाव देखकर अब शांति भी थी। कहते हैं कि इस कहानी को उनकी बहन ने भेजा है, कहते क्या है, भेजा ही है, जो करीबन 18 साल की है। बहन ने कहानी मनगढ़ंत ना बनाई हो इसके लिए परिवार से भी पूछा गया और सब कुछ सच था। इसके बाद इसे पोस्ट किया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ कोई शंका नहीं होती, मगर फिर भी चीज़ें बनावटी ना हो इसके लिए उसकी पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये सत्य प्रसंग मेरे लाडली लाल, मेरे कान्हा जी का यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को छुआ होगा, और अगर हाँ तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार कहती हूँ भक्ति प्रेम जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है, और कुछ मिनट के लिए ही सही, अगर हम इन सांसारिक दुखों से चिंताओं से मुक्त हो पाते हैं तो बहुत है यार। इतनी कामना करो मत जो कभी पूरी ना हो सके, वरना खुशियों के पल सोचते रह जाओगे, आएंगे कभी नहीं। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्द लौटूंगी अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए, और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा राधे राधे।